वंदे गुरुपद्द्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोदयं गोपीजनो समायुक्तं बिंदावनम मनोहर वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च न भक्ति पदे देवी सत्वत्वई नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन धैयं सदा परिभवग्नमविष्टदूहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतातिहं पुनतपालभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरीजितगमी गपवधु स्वदर्श पूर्णानुराग्र सुसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभुतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानुषिपुरपति भजवीशनाथम् वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Labdhva Sudurlabhamidam Bahushambho Vante Manushyam arthadama nittam api adhiraha Turnam jatetana patetamana mittu javad Nisriyasaya visayaha khalu sarvatoshad Labdhva sudurlavamidam bahushambhamante Manushyam arthadama nittam api adhiraha Turnam jatetana patetamana mittu javad Nisriyasayo visayo khalu sarvato shat. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagat Guruji ne bataye, main kaun hu, ye vichar nahi hone ke karan, jitna samasyaye aan pare. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, परमहंसो जगत गुरु जी ने बताएं मैं कौन हूँ इसका सही विचार नहीं होने के कारण जितना समस्याएं आन पड़े जीव शब्दों के द्वारा ये माने जीव शब्दों के द्वारा जिसका जीवन है उसको ही जीव बोला जाए भगवान का तीन किस्म का शक्ति है अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति और ततोष्ठा शक्ति जीव ततोष्ठा शक्ति का परिणाम है जीव ततोष्ठा शक्ति का परिणाम है और ये ततोष्ठा शक्ति से जीव आए हुए हैं जीव जीव वस्तु है
अवास्तव कसम, ये जीव वास्तविक इसका माने हैं, जीव कौन है, जीव नित्यकाल विराजमान है, ऐसा नहीं कि आज जन्म लिया जीव मर जाएंगे, ऐसा नहीं। जीव चेतन और बहुत बहुत सूक्ष्म वस्तु हैं, चेतन अनुचेतन, लेकिन भगवान विभू चेतन वस्तु हैं, इसीलिए जीव का साथ ईश्वर का नित्य भेद है। भेदाभेद तत्व यद्यपि भेदाभेद तत्व का विचार हमारा संप्रदाय में है, लेकिन भेदाभेद तत्व तो है ही है। भेदाभेद तत्व का माने ये हैं, जो भेद और अभेद, साइमल्टेनियस डिफरेंस और नॉन डिफरेंस, लेकिन इस पे भक्तिविनोद ठाकुर आदि महापुरुषों ने बताया, भेद अभेद अचिंत भेदाभेद का अंदर, अचिंत भेदाभेद ये विचार का अंदर अगर भेद प्रोमिनेंट नहीं है तो अचिंत भेदाभेद तत्व का कोई वैल्यू नहीं रहता। अचिंत भेदाभेद इसका अंदर में भेद प्रोमिनेंट विचार है, इसीलिए जीवों का साथ ईश्वर का नित्य भेद ये मानना पड़ेगा। यह है यद्यपि अचिंत भेदाभेद भगवान से आए हुए हैं जीव। महाप्रभु जी ने बताया जीव मायाधीश, महाप्रभु जी ने बताया चैतन्य चैतामित में जे मायाधीश मायाभौष, मायाधीश मायाभौष, मायाधीश मायाभौष, ईश्वर जीव भेद। ईश्वर ब्रह्म वस्तु है, बृहद वस्तु, हरि अनंत, हरि रूप अनंत, किंतु जीव क्षुद्राति क्षुद्र, इतना क्षुद्र है, इसका परिमाप करना बहुत मुश्किल है। अनुचैतचित वस्तु ईश्वर मायाधीश, किंतु जीव माया का बस। जीव स्वरूपतः कृष्ण का नित्य दास और कृष्ण जीव का नित्य प्रभु है। जीव कृष्ण सेवक है, कृष्ण जीवों का सेव्य है, अनंत ब्रह्मांड का सेव्य वस्तु है। नियामक और रक्षक मतलब वो नियामक मतलब जो रेगुलेट करे, नियामक मतलब जो रेगुलेट करे, नियामक का मतलब है, नियामक का मतलब है जो रेगुलेट करे, जो रेगुलेट करे जीव को, सामान जो दुनिया को जो चलाए उसका नाम है, जो दुनिया को चलाए रेगुलेट करे, तमाम जगत का जो नियामक और रक्षक है। कृष्ण सेवा जीव का नित्य कृत्यो, इसीलिए महाप्रभु जी ने बताए जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसीलिए महाप्रभु जी ने बताए जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसीलिए महाप्रभु जी ने बताए जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण ततस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारी दे संसार आदि दुख, संसार आदि दुख। साधु शास्त्रों की पाई यदि कृष्ण उन्मुख है, साधु शास्त्रों का कृपा के द्वारा यदि अगर कृष्ण उन्मुख, कृष्णोन्मुख हो जाए जीव, कृष्णोन्मुख हो जाए सही जीव निस्तरे, सही जीव पार हो जाए भवसागर, माया उसको छोड़ देता है, छोड़ देती है माया। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। कृष्ण भजन करे, कृष्ण भजन करे, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। ऐसा करके महाप्रभु जी ने बताया जीव आत्मा है, जीवात्मा। जीव मन, मेटेरियल मन या तो शरीर ये नहीं है, जीव देही मतलब ये जो पंचभौतिक शरीर है इसका अंदर में जो मेन है, श्रीमन महाप्रभु जी ने बताया जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास।
जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण ततश्चा शक्ति भेदाभेद प्रकाश। कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतए माया तारे दे संसार आदि दुख। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, से जीव निस्तरे माया तारे छाड़ाए। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। जीव आत्मा है, जीव मन नहीं है, मेटेरियल मन भी नहीं है और पंचभौतिक शरीर भी नहीं है, जीव देही है। मतलब ये शरीर का अंदर जो शरीर को चला रहा है वो जीव है, देही जीव। जीव मन वो शरीर नहीं है, जीव देही जीव। जब शरीर छोड़ के जाता है तो पंचभौतिक शरीर गिर जाता है। जीव चेतन है, मन चेतनाभास है, देहो अचेतन जड़ो वस्तु है, पंचभूत से बना हुआ है। ये जलाने का बाद फिर पंचभूत का पंचभौतिक शरीर में जितना सब हमारा शरीर का जो वाटर पोर्शन है, खेती अपतेज मरुद्भम, शरीर में जल का पोर्शन जल में जाएगा, वायु का पोर्शन वायु में जाएगा और तेज का पोर्शन तेज में जाए, सब धीरे धीरे अपना अपना जगह। पंचभौतिक शरीर जब जलाया जाएगा सो अपना जो वाटर पोर्शन वाटर में जाएगा, तेज का पोर्शन तेज में जाएगा, खेती आकाश का पोर्शन आकाश में जाएगा, आग का पोर्शन आग में जाएगा, ऐसे खेती अपतेज मरुत बम है वायु में जाएगा। ऐसे पंचभौतिक शरीर नाश होने से अपना अपना पंचभौतिक एलिमेंट जो अपना अपना रेस्पेक्टिव पोजीशन में वापस चली जाएगी। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा देही है। जब देही आत्मा शरीर छोड़ के जाता है तो शरीर गिर जाता है, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। जीव चेतन है, मन पहले भी बताया मन चेतनाभास और शरीर अचेतन व जड़ो वस्तु है। मन सूक्ष्म शरीर व सबटल बॉडी बोले जाता है। मन प्रभुपाद कह रहा है कि मन डिम रिफ्लेक्शन ऑफ एनिमेशन, चेतन का आवास प्रतिफलन, चेतन अस्पष्ट हेजी प्रतिफलन है। चेतन का आवास मेडलिंग विद वर्ल्ड, चेतन आवास, मन आत्मा का साथ एक नहीं है, एक जैसा लगता है। मन हर वक्त बहिर्जगत में विचरण करने वाली है। मनोरथे न सतो धवतो वही, मन हर वक्त बहिर्जगत में विचरणशील है। मन बहिर्जगत का स्थूल वस्तु ग्रहण करने में समर्थ है। नित्य वस्तु ईश्वर का संज्ञान ये दे नहीं सकता। किसी का माइंड खूब स्ट्रांग भी हो सके, लेकिन फिर भी नित्य वस्तु ईश्वर का बारे में कोई जानकारी दे नहीं सकता। मैं जीव हूँ, मैं मन और शरीर बिल्कुल नहीं हूँ, शरीर ओ मैं, शरीर का साथ मेरा देहोदेही संबंध है, एक नहीं है, देखने में एक है। गृहो गृही एक नहीं हो सकता, घर में जो रहता है वो गृही है, जो घर है वो गृह है, जहाँ गृही रहता है। आत्मा और देही व जीव, आत्मा देही व जीव सूक्ष्म शरीर मन का मालिक है। गीता में ये सब बारे में बताया गया, सूक्ष्म शरीर मालिक बन के बैठे हुए अभी, लेकिन एक्चुअल मालिक तो है भगवान। और महाप्रभु जी ने बताए जीवे
जीवे स्वरूप कृष्णदास अभिमान, जीव का अंदर में जो ये जो पक्का अभिमान है, जीवे जीव का अंदर में जीवे स्वरूप कृष्ण का जीवे स्वरूप कृष्णदास अभिमान ये छुपा हुआ है। देह आत्मज्ञाने आच्छादित ज्ञान आत्मो है, देह आत्मज्ञाने क्योंकि देहों का अंदर में मैं हूँ ये विचार के द्वारा माया का एक कवरिंग आ गया, इसलिए देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। देह आत्मबुद्धि है विवर्त स्थान, शरीर में मैं हूँ ये कन्फ्यूशन है, ये कन्फ्यूशन है विवर्त स्थान। देह आत्मबुद्धि यही मिथ्या है, शरीर में आत्मबुद्धि है विवर्त स्थान, देह आत्मबुद्धि यही मिथ्या है। जीव नित्य वस्तु है, स्थूल और शरीर का नए अनित्य नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण सेवक जीव कृष्ण सेवक जीव कृष्ण को भूलने के कारण जितना कष्ट आ गया है। मैं कौन हूँ, पहले शुरुआत हुआ आप सुन नहीं पाए, मैं कौन हूँ ये विचार सही नहीं होने के कारण जितना सारे समस्याएं आप पहुँचे। मैं कौन हूँ ये विचार सही नहीं हो पाया, इसीलिए इतना सारे ट्रैवल समस्याएं हैं। जीव अपने को कृष्णदास जब पहचान पाए समझ पाए, इट इज कॉल्ड द हेल्थ ऑफ योर स्पिरिट, आत्मा का शास्त्र है, आपका हेल्थ वापस आएगी। जब अनुभव होता है जब मैं कृष्णदास हूँ तो आत्मा का ये है हेल्दी कंडीशन, आत्मा का शास्त्र वापस आए। वर्तमान में वर्तमान समय में जीव दास ये जो मैं कृष्णदास ये भूल गया, भोगी बा त्यागी दोनों में एक बनकर बैठा हुआ है जगत में। इट इज कॉल्ड डिजीज, इसका नाम डिजीज, इसका नाम है डिजीज, बीमारी है जीव का। और ये रोगी है जीवों का, ये जो फेस है ये जो विमुख भाव, इसको कृष्णों का ओर उन्मुख कर देना, यही है ट्रीटमेंट, इसका नाम चिकित्सा, जीवों को विमुख भाव से उन्मुख कर देना। कृष्णो बहिर्मुख जीव को कृष्णो उन्मुख बना देना, ये जीवों का प्रति दया का टॉप मोस्ट एग्जाम्पल है, आइडियलिज्म। ये छोड़कर दूसरा कुछ भी करो, वो बात कहते थे ये छिलका का सेवा, पूरा दुनिया ये छिलका का सेवा लेकर कोई कोई फूड फॉर लाइफ कर रहा है, कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, सारे प्रभुपाद का ठीक है कर रहा है, ठीक है ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन ये छिलका का सेवा है। कृष्ण बहिर्मुख जीव को कृष्णोन्मुख कर देना, ये सबसे बड़ा जीवों के प्रति जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म साहब जी बोला, सबसे बड़ा दया है, यही वास्तविक उपकार है, ये परमानेंट उपकार है, टेम्पोररी उपकार नहीं है, यार टॉप मोस्ट उपकार है। कृष्णों का जीव तो कृष्णों का है, कृष्णों को भूलने का कारण इतना सारे समस्या। अभी ये साधु संग करते करते सेवन्मुख हो जाए तो कृष्ण का साथ कंप्लीटली डोविटेल मैंने जैसे एक खाप है, एक आपका पास एक डब्बा है, डब्बा का जो मुंह है, डब्बा का जो मुख है वो सील करने के लिए उसको आप घुमा घुमा के उसको टाइट कर देते हो ना, तो पोपात के लिए खापे खापे इन बंगाली, इट खापे माने जस्ट एडजस्टेड एकदम परफेक्ट, इसको कंप्लीटली डोविटेल संपूर्ण रूप से संयुक्त हो कृष्ण के साथ हो जाने से। काल भी बताया था जे फो टोटल एडजस्टमेंट, भद्र जीवों के साथ भगवान का संबंध बनना मुश्किल है, भगवान अनंत तो जीव क्षुद्र है, लेकिन फिर भी व्यवस्था ठाकुर जी रखे हुए हैं। जैसे सूर्यदेव के साथ हमारा एडजस्टमेंट होने के कारण सूर्यदेव से ताप आ रहा है,
हम लोग जी रहे हैं धरती पर, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सूर्य अगर नजदीक आ जाए तो हम लोग मर जाएंगे, और सूर्य अगर बहुत दूर भग जाए तो हम मर जाएंगे। तो एडजस्टमेंट, सम सॉर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ये एडजस्टमेंट होता है गुरु का माध्यम, अपने आप जीव हो नहीं सकता। पहले भी बताया जो गुरुपाद पद में इज अ ट्रांसेंडेंटल मीडिया और ट्रांसपेरेंट मीडिया थ्रू विच वी कैन हैव ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट विद भगवान। भगवान का साथ हमारा एडजस्टमेंट का एक ही रास्ता है, गुरु वैष्णव का माध्यम। और जो कुछ भी हम देखना चाहे, बोलना चाहे, करना चाहे, तो गुरु का माध्यम होना चाहिए। क्यों? गुरु ट्रांसपेरेंट मीडिया और ट्रांसेंडेंटल मीडिया, गुरु का माध्यम हमको सब करना पड़ेगा। गुरु छोड़ देने से फिर मुसीबत में गिर जाएंगे। तो ऐसा करके पोपा जी ने बताया, मैंने श्लोक दे के शुरू किया था भागवत जी का, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं वमन्ति मनुष्यमर्थदमनित्यमपि हधीरः तूर्णं यतेत न पतेत अनुमित्तु यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतोषात्। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुशं वमन्ति, 84 लाख योनि भ्रमण करते करते कोई ठिकाना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं चलता है, कब जाके हम मनुष्य जन्म लेंगे। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुशं वमन्ति, जो शरीर एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा साधन किया जा सकता है, क्योंकि दूसरा योनि में साधन तो नहीं बनता है। तो लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु सुदुर्लभ बहु संभवान्त, बहु कष्ट के बाद और मनुष्य जोनि मिला है। ये शरीर पतन होने का पहले तूर्णम जतेतो, जतेतो माने जत्न करे, ट्राई टू टेक केयर, तूर्णम जतेतो जत्न करे। जब शरीर पतन हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। तूर्णम जतेतो न पते उन्मित्त यावत् निश्चय विषय हो खोलु सर्वतोषा। बहु जन्म मृत्यु का बाद, बहु जन्म मृत्यु का बाद जीव ये मनुष्य शरीर लाभ किया। मनुष्य शरीर लाभ करने से भी चैतन्य चैतन्य में तो बता हुआ बहुत सारे कैटेगरी मनुष्य जन्म लाभ किया, ठीक है, मनुष्य जन्म लाभ करने से भी उसका अंदर में बहुत सारे कैटेगरी है जीव का। और स्थावर जंगम का बाद ये ठीक है, ताते स्थावर जंगम भेद, जंगमे जलचर स्थलचर इत्यादि बहुत सारे विभाग का बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताया, बहुत इसमें विचार है, बहुत सारे। धीरे धीरे आदमी, क्योंकि मनुष्य जनी होने से भी मनुष्य के अंदर में कोल भील सांवताल ट्राइबल हो सकता है, उसमें ये सब में हो सकता है। धीरे धीरे फिर कब जाके आदमी का कोई मंगल होगा वो कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए स्थावर जंगमे विभेद, जंगमे स्तर चर स्तर जलचर विभेद, फिर तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्प तरो, तार मध्य कोल भील सांवताल, बहुत सारे भेद है। ये सब करते करते पता नहीं चलेगा क्या है, क्या कब क्या हो सकता। तो ये जो है इसमें मनुष्य जनी लाभ किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो अनित्य है, कब चले जाना है कोई ठिकाना नहीं है। तो अनित्य होने से भी जीव को पूर्ण सिद्धि, पूर्ण सक्सेसफुल होने का चांस है। क्यों? इसका अंदर में भगवान सब कुछ दे दिया है, चेतना सब कुछ गुरु रूप में आ गया, फिर शास्त्र रूप में। तो जीव को पूर्ण सिद्धि लाभ होने का एक इंस्ट्रूमेंट है मानव शरीर। अतएव धीर व्यक्ति
जो धीर है, चंचल नहीं है, धीर मतलब जिसका जिस जो चिंता करके निर्णय कर सके जो मेरा परिणाम क्या है, सो फिर धीर व्यक्ति का कर्तव्य है तुरंत जल्दी जल्दी, वो देर ना हो जाए, क्योंकि कब शरीर चले जाए, खटंग राजा चला गया बहुत जल्दी, 48 मिनट का अंदर अपना मंगल कर लिया, हम तमाम जिंदगी भर करके भी कुछ नहीं कर पाया। तो इसलिए धीर व्यक्ति कर्तव्य है बहुत जल्दी ये पूर्ण सिद्धि लाभ के लिए, भगवान का सेवा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। कभी भी ये जन्म मरण का चक्का में फंसना उचित नहीं है, बहुत हो चुका है, जन्म मरण का जो चक्का चल रहा है इसमें फंसना उचित नहीं है। ये इंद्रियो ग्राम के द्वारा विषय भोग ये तो हर जनी में मिलता है, कुत्ता बिल्ली भी एंजॉय करता है, क्योंकि ये दो हर जनी में, लेकिन एंजॉयमेंट का वस्तु का भाव अलग अलग है, लेकिन है तो एंजॉयमेंट हर जनी में ये तो होते ही रहेगा, इसका तो कोई, इसलिए हमारा जीवन जिंदगी को खराब करना बर्बाद करना उचित नहीं है। क्यों? कृष्णो भावनामृतो, कृष्णो का भक्ति हर समय में नहीं आती है, ये संभव नहीं है। काल चर्चा हो रहा था जो बद्ध जीव धीरे धीरे एकदम घटिया अवस्था घिरा हुआ, एकदम कीच में पड़ा हुआ है, जितना सारे अंत जो चरित्र, उसका खाने का सोने का कोई शुद्धता नहीं है, बैठने का चलने का कुछ नहीं है। आप सोचो तो सही, एक ऐसा मापिक गंदगी है जिंदगी में, इसको उठाकर ये वैष्णव आसन में बैठा देना कितना कठिन है। कहाँ शुद्ध जगत है, ये लोग तो सोच भी नहीं सकता सपने में भी, इतना शुद्धता हो सकता है, ये तो संभव है एकमात्र वैष्णव के लिए। तो बद्ध जीव अवैध जीवन यापन कर, कुत्ता बिल्ली का फॉरेन जाओ, सब कुत्ता बिल्ली का जिंदगी, कोई रेगुलेट नहीं, रेगुलेशन नहीं है, जो इच्छा करे पशु का माफी। तो बद्ध जीव अवैध जीवन एवं अंत जो चरित्र छोड़ के जिस समय थोड़ा बहुत ऊपर आए उन्नत हन, इस समय उसका पहला नजर आता है कर्मकांड में, क्योंकि भक्ति बहुत सूक्ष्म भी है, ये कर्मकांड सोपान में अधिष्ठित हो जाता है। पहले बताया हमारा नियमाग्रह चल रहा है अभी बीचा, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह प्रजल्प का चर्चा काल तक हो चुका। इसी जो सोपान है कर्मकांडों का सोपान है, ये जो कर्मकांडों का सोपान है ये अच्छा है, ठीक है चलो, ये इसी सोपान में रहते हुए जीव अगर ज्ञान विभाग का उच्च सोपान का ओर नजर ना रखे पशु का मापिक जिंदगी गुजारे तो कोई फायदा नहीं। कर्मकांडो रूप सोपान जो मार्ग है, जो प्लेटफॉर्म है, यह रहते हुए उचित है ज्ञान विभाग का उच्च सोपान, मैंने ये झीना पर चर लिया, उसके बाद दूसरा झीना पर टारगेट होनी चाहिए, निरंतर इसके लिए निरंतर वर्णाश्रम धर्म में रह के रेगुलेटेड लाइफ पालन करके ये चलना है। और जब तक चित अचित है ये चर्चा जब तक ना होए, जब तक अहंकार तत्व का विवेक धीरे धीरे जरमय कर्मों इसमें निर्वेद प्राप्ति जब तक ना करा दे, अपना चीद अचित आलोचना करते रहे और अहंकार तत्व का विवेक धीरे धीरे जरमय कर्मे
इनके जीवन में निर्वेद प्राप्त ना करा दे जब तक, तब तक वर्णाश्रम धर्मनिष्ठा त्याग करने से प्रत्यव्याय उसका लिए फल भोगना पड़ेगा। शेषे अधिकारी जो निष्ठा स गुण परिकर्तिता विपर्यस्तु दोष। भगवत जी महापुराण में लिखा है, नेहो यत कर्म धर्मायो न विरागायो कल्पते न तीर्थ पदो सेवायोई जीवन ओपी मृतो हिसा। कर्मों का टारगेट क्या होनी चाहिए? कर्मों का टारगेट जनरल कर्म, तो भगवत धर्म में पहुंचना बहुत दूर है, ये तो आत्मधर्म है। तो अभी जो टारगेट है, जो हमने कर्मकांडों का प्लेटफॉर्म में आया, अभी जो हमारा स्थिति है, ये कर्मों का टारगेट क्या होनी चाहिए, क्या टारगेट है जीवों का, ये बड़ा बात नहीं, क्या टारगेट होना चाहिए, होनी चाहिए था। टारगेट उल्टा है इसीलिए कुछ नहीं होता, ये तो दूर की बात। टारगेट उल्टा है, दैट इज वाई दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। अगर कर्मों का लक्ष्य टारगेट अगर सही रहे, कर्मकांड का, कर्मकांडों में जनरल धर्मों का बारे में चर्चा होता है, हमारा शास्त्र में मना किया, देशो धर्मो मनोधर्मो शरीर धर्मो सब जतना सारे वर्णाश्रम सारे छोड़ना पड़ेगा। अंतिम में भगवान ने बताया, सर्वधर्मान परिचर्य मामेकम शरणम, यहाँ वर्णाश्रम आदि सब छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए। सर्वधर्मान परिचर्य माम एकम शरणम, जो इसका अंदर में टारगेट में आता है वह सब छोड़ो, कुछ काम का नहीं है। तो जब चेतना का उन्मेष होता है उस समय में वर्णाश्रम धर्म का और कोई परमहंस अवस्था में वर्णाश्रम धर्म का कोई यूटिलिटी नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, वर्णाश्रम धर्म का यूटिलिटी तब तक है जब वो बंधन दशा में है। बंधन दशा पूर्ण छूट जाए उसका बाद उसका मर्जी है, समाज को रेगुलेट करने के लिए बाहरी दृष्टि में दिखाए वर्णाश्रम धर्म और ना दिखाए छोड़ के चले जाए, इसका फर्क नहीं पड़ता। कर्मों का वास्तविक वास्तव टारगेट क्या होनी चाहिए, नहीं होने से कर्म फजूल है। क्या है कर्मों का लक्ष्य टारगेट क्या है? कर्मों का टारगेट है धर्म। धर्मो किस धर्मो तो हम लोग जानते हैं, धर्मो हम लोग सुना है भागवत में, सब इपुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक सजे अहेतु के अप्रतियत जयात्मा सुप्रत। ये तो एकदम एक्सट्रीम लिमिट भागवत धर्म आत्मधर्म। अभी यहाँ धर्मों का माने क्या है? यहाँ धर्मों का मिनिमम जो माने है, माने जो पशु सदृश मानव को कम से कम ये परिचय दे सके, आदमी हूँ मैं, कम से कम ये परिचय दे सके, इंसान हूँ ऐसा। तो कर्म का लक्ष्य टारगेट होनी चाहिए धर्मों। अधर्मों किसको बोला जाए? इन जनरल कंसेप्शन ऑफ धर्मों क्या है, जनरल कंसेप्शन ऑफ धर्मों क्या है? परार्थता, मैंने दूसरे को ठुकराओ मान, दूसरे को हेल्प करो, परार्थता। हनुमान जी महाराज जी को द्रोणाचल पर्वत ने एक प्रश्न किया, महाराज आप बताओ मेरे को धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म किसको बोला, एक शब्द में बताओ। सनातन धर्म का एक जनरल डेफिनेशन हनुमान जी ने दिए थे, क्या है? कृते प्रतिकृतम एष धर्मो सनातन। जो कुछ हमको किसी ने किया उसका प्रतिदान देना, बट ये प्रतिदान मेटेरियल प्रतिदान नहीं है, मेटेरियल प्रतिदान नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत बार चर्चा हुआ वो गुरु गुरु नहीं है, वो सज्जन सज्जन नहीं है, वो रिलेटिव नहीं है, वो माता वो पिता पिता नहीं है, वो स्वामी स्वामी नहीं, वो देवता देवता नहीं है, जो मेरे को कृष्ण भजन करने ना दे, जो मेरा मौत से मेरे को ना बचाए, बचाने ना सके। तो माने क्या हुआ,
कृते प्रतिक्षितम ऐसो धर्म सनातन। कोई अगर मेरा पति थोड़ा फेवरेबल मूड दिखाया, कुछ किया मेरे लिए, मेरा कर्तव्य क्या है, उसका आत्मा का मंगल हो जाए, कुछ करे, उसको तरह रुपया पैसा दे दे, उसका तरह फॉरेन लेडी दे दे, उसको तरह चक्कर घुमा दे इधर उधर, ये तो जीव हिंसा का अंदर, जीव हिंसा, उसको तरह कारोबार खोल दे, ये सब जो मकान बना दे, ये है प्रभुपाद कह रहे हैं ये छिलका का सेवा है। तो कृते प्रतिक्षितम ऐसा धर्म सनातन, मतलब जो मेरे प्रति मेरा पति थोड़ा फेवरेबल मूड दिखाया, कुछ करने का कोशिश की, मेरा कर्तव्य है, इसका इसका मुंह, इसका जो मुख है इसको भगवान का ओर घुमा दो, ये है। तो यहाँ जो जनरल कंसेप्शन चल रहा है भागवत जी का, नेहु यत कर्मो धर्मायो न विरागायो कल्पते न तीर्थ पदो सेवायोई जीवन ओपी मितो ही स। कर्मों का लक्ष्य है उत्तर धर्म है, धर्म का शब्द जनरल कंसेप्शन है परार्थोता, दूसरे के लिए कुछ करो, दूसरे कौन है, धर्म शब्दों के द्वारा परार्थोता मतलब दूसरे के लिए कुछ करो, दूसरे कौन है, दूसरे कौन है, ये धर्मों का शब्दों में परार्थोता, दूसरे के लिए कुछ करो, और दूसरे का लिए कुछ करो वो अगर मेटेरियल है तो मेरा क्रियाक्रम सारे बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं मैटर मैटर का सेवा करूँ, बद्ध जीव का सेवा करूँ, यही हो जाएगा। तो परार्थोता का मतलब ये होनी नहीं चाहिए, वास्तव परार्थोता का मतलब श्री हरि गुरु वैष्णव गो विप्र ब्राह्मण इन लोग का सुख के प्रचेष्टा करना, आई बात समझ में। अगर परार्थोता के शब्द के द्वारा दूसरे के लिए करना, कुत्ता बिल्ली का सेवा करो, ये करो वो करो, पानी का सेवा कर दो जनता में, ये बाट बंटवारा कर दो कपड़ा, ये ठीक है, लेकिन कर्म का लक्ष्य धर्म है, धर्म का शब्दों के द्वारा अगर परार्थ है परार्थोता, तो परार्थोता का माने इतना चीप हो, इतना सस्ता हो, तो मैं परार्थोता के द्वारा, आई बात समझ में, परार्थोता ये शब्दों का इतना चीप मीनिंग हो, ते परार्थोता शब्दों के द्वारा तो मेरा बंधन और ज़्यादा हो जाएगा, मैं बद्ध जीव को खिचड़ी बांटे, बद्ध जीव को ये कपड़ा दे, फुटफॉल लाए, ये तो मेटेरियल से कुछ नहीं है। तो इसका माने क्या होनी चाहिए, परार्थोता माने यू शुड डू समथिंग फॉर आदर्स, आदर्स ये क्या है, जो समथिंग फॉर आदर्स, परार्थोता मतलब दूसरे की कुछ करना, तो दूसरे के लिए करना मतलब मेटेरियल आदमी के लिए कर तो बंधन हो जाए, तो इसका माने क्या हो जाए, मैं ऐसा कुछ करूं जिसमें अपना हम मैं जो जीवात्मा हूं मेरा भी मंगल हो जाए, क्योंकि जो सेवा करने जाए, जिसका सेवा करने जाए, उसका सेवा करने से अगर मैं गिर जाऊं तो उस सेवा का क्या वैल्यू है, उस सेवा का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे शुक्राचार्य जी ने एक उदाहरण दे दे, हो सके कि थोड़ा समय लगेगा, शुक्राचार्य जी ने अपना शिष्य मानता है, लेकिन बोली महाराज जी अपना क्यों तो शिष्य मानता है प्रहलाद महाराज जी का, इसीलिए उसका नाम द्वादश महाजन में गिनती में आता है। इनको शुक्राचार्य जो सलाह दे रहा है, तू डोनेशन देना चाहता है सावधान हो जा, ऐसा कुछ डोनेशन ना दे जिसके द्वारा अपना वृत्ति खो जाए, ध्यान दे इस बात पर। शुक्राचार्य जो बोल रहा है, शुक्राचार्य जो मेटेरियल कंसेप्शन लेके बोल रहा है, शुक्राचार्य जो तो मेटेरियल कंसेप्शन लेके बोल रहा है ना शिष्यों को बचाने के लिए, आए भले दान का महिमा तब तक होनी चाहिए जब तक अपना वृत्ति योर पोजीशन इफ यू कैन मेंटेन, ठीक है, अपना पोजीशन से अब गिर जाए वो दान का क्या वैल्यू है, तो ऐसा दान मत दे। बोली महाराज जी ने बोला ठीक है चलो आप बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, लेकिन हमको तो मानना है, आप जब पर्टिकुलरली बोल दिया ये बामन देव नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, बामन बन के आया है बोटुक ब्राह्मण, तो फिर हमको अगर पता है ये विष्णु है तो जरूर हम देंगे, देना है तो विष्णु को ही देना है ना, तो हम विष्णु को देंगे जरूर। शुक्राचार्य गुस्सा हो गया, क्या
मेरा बात नहीं बनना है, जा तू लक्ष्मी भ्रष्ट हो जा, जा। तो सांप दिया तो फिर भी कोई परवाह नहीं, मैंने किया तो किया विष्णु के लिए किया, मैंने किया तो किया मेरा गुरुजी प्रहलाद महाराज की इच्छा से किया है? तो ध्यान दो बात को, ऐसा दान होनी चाहिए जिसके द्वारा मैं गिर ना जाए। दान का मतलब है मेरा अपना भी कुछ मंगल हो जाए। जर जगत का आदमी दान देता है, और गीता में भगवान बोला दान का भी पात्र है, देयर इज सम सिलेक्टेड पॉट्स, जहां तहां पागल का मापिक दान देने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे एक मुस्लिम है उसका ईद आ रहा है, तो हमने एक गौ माता को दे दिया उसको, तो ये दानों में, ये दान का अंदर में गिनती में आएगा क्या? ये तो अपराध हो गया। मैं गौ माता को उसका हाथ में दे दिया, वो तो काट के खा जाएगा। जैसे शिवाजी ने बचपन में एक मुस्लिम को पूरा गर्दान काट के फेंक दिया, जब देखा गौ माता को अत्याचार करके ले जा रहा है, मैं गौ माता का भूमि लिख दिया है, तो उन्होंने क्या किया, अपना सोट को निकाल के उसका ही गर्दन काट दिया। या भागवत में बहुत सारे प्रमाण है, गर्ग संहिता बहुत सारे पुराण में, और हमारा परीक्षित महाराज ने भी बोल दिया, जो गो ब्राह्मण वैष्णव का ऊपर अत्याचार करने वाले का वो जो हाथ है, इसका इसका जो बलय है, बलय मतलब ऑर्नामेंट बैंगल जो हाथ में है, तार वाला आदि हाथ में सोने का, बोले वो हाथ में वो जेवर का साथ काट के फेंक दू। परीक्षित महाराज ने बताया जो गुरु ब्राह्मण वैष्णव का अत्याचार करने वाले उसका मैं हाथ जेवर का साथ जो भी हो उसका काट के हम फेंक दू। तो ये सब चर्चा इसलिए हुआ कि आप सोच सके, कम से कम अगर हम किसी को कुछ देना परार्थता, किसी को कुछ करना चाहे, तो इसका बदले में मेरा पतन हो जाए, श्योरली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट। तो परार्थता का एक्चुअल मैथमेटिकली मैथमेटिकली साइंटिफिक कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो परार्थता अगर बोल ही दिया, ठीक है, धर्मों का अर्थ है परार्थता, परार्थता किसके लिए करो? सो श्री हरि गुरु वैष्णव गो विप्र ब्राह्मण का सुख वैष्णव का लिए, इसका सुख विधान के लिए प्रयास पे चेष्टा परार्थता होनी चाहिए। सार्थ शब्द के दो अर्थ होता है, एक है सौ, जो जिन्होंने संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ा है, ग्रामर ग्रामर पढ़ा है, वो जानते हैं व्याकरण, सौ प्लस हैं, सौ प्लस अर्थ, सौ ये स्व के द्वारा महाप्रभु जी ने दिखाया, स्व के द्वारा अगर अपना शरीर को ही मानो तो इसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी विभोर, तो जो हमने अभी बताया थोड़ा देर पहले, शरीर का शरीर को ही आप मानो, शरीर को ही देहे, महाप्रभु जी ने बताया देहे आत्मबुद्धि होय विभोरते स्थान, है ये शरीर का ऊपर आप मैं हूं ऐसा बुद्धि आए, इट इज अ ग्रेट कन्फ्यूजन इन यू एंड पजलिंग। तो ये जो है इसके द्वारा ये माने होता है सौ प्लस अर्थो, तो जिसका ब्लॉक हेड है, मोटा माथा है, माने कुछ अकल नहीं है, वो सोचेगा स्व अर्थो मतलब हमार का शरीर का साथ जोड़ा हुआ जितना स्वार्थ है मेरा, मोकान बाड़ी पैसा बैंक की अमानती पैसा सब कुछ ये मेरा है, तो इसका जो इंटरेस्ट है आई विल टू प्रोटेक्ट इट। शुक्राचार्य जो ये माने बोलना था, शुक्राचार्य जो वांटेड टू मीन दिस वे, लेकिन बोली महाराज ने सोचा अरे ये तो अगर भगवान है आपने बोल ही दिया तो हम 100% देंगे, अब तक तो थोड़ा वो डाउट ठीक है भगवान है कि बामन को हम देंगे, अब आप कह दिया, अब जब आप कह दिया कि ये विष्णु है तो हमको देना ही है, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। तो बोली महाराज भागवत धर्म का अनुशीलन किया, दैट्स वाई ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही टुक डिसीशन अकॉर्डिंगली। इसके लिए स्व अर्थों का मतलब शरीर का संबंधित, शरीर का साथ संबंधित वस्तु हो सकता है, लेकिन जो पक्का विचारवान है वो सोचेगा स्व मतलब आत्मा, वो सोचेगा स्व मतलब स्व प्लस अर्थो,
आत्मा का जो अर्थ है परमार्थ, ये सोचेगा। तो ये स्वार्थो शब्दों के द्वारा अगर कोई सोचे कि अपना सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन करो, अपना पूर्ति कर लो, जो कुछ भी इच्छा है, ख्वाहिश है जिंदगी कर लो, मजा ले लो, तो ये हो गया छुट्टी। ये कभी जो धर्मों का टारगेट लेके अब शुरू किया था, आप ही जानो, तो जनरल धर्म भी हो तो फिर स्टिल इट इज़ नॉट फिटिंग हियर। ये फिर भी इसका एप्लीकेबल नहीं है, ये बेकार है धर्मो, इसको बोला ही नहीं जाएगा। कुत्ता बिल्ली का धर्म है, कैट्स एंड डॉग सोसाइटी, यही होगा इसका नाम। तो काम है धर्म का, कौन बोल दिया, किसने नाम रख दिया इसका धर्म है, है? इसका नाम तो काम है। काम मतलब घृण्य वस्तु है, ये कीच है, गंदगी है। आत्मेन्द्रियो प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रियो प्रतिवांछा धौरे प्रेम नाम। कर्म सकल जितना कर्म हम करे, कर्म जितना कर्म हम करे, कर्म कांड को, सो कर्म सब सारे कर्मों का अगर टारगेट टारगेट अगर सही जगह पर ना रहे, कर्मों का हमारा टारगेट कर्मकांड में है, अगर मेरा टारगेट सही जगह ना रहे, यदि देव दिजो गुरु हरि ब्राह्मण वैष्णव का वो ना रहे, तो इसको कभी भी धर्म नहीं बोला जाएगा, कभी नहीं किसी शास्त्र का मन। ये काम है, एंड काम कैन गाइड यू टुवर्ड्स अकर्म विकर्म कुकर्म। काम क्या करे, काम का क्या काम, काम आपको मिसगाइड करे, आपको मिसगाइड करे, काम कहाँ ले जाए, या तो आपको अकर्म करा देगा या तो विकर्म करा देगा, ये तो करा देगा और क्या करेगा। अकर्म मतलब, अकर्म मतलब वेदों में शास्त्रों में जो लिखा हुआ प्रेस्क्राइब कर्म है इसको नहीं करना, अकर्म है। अब विकर्म मतलब है जो विपरीत, शास्त्रों में जो लिखा है नहीं करना, ठीक है नहीं करना, नहीं किया, लेकिन जो शास्त्र में लिखे उसका जस्ट ऑपोजिट करे, ये विकर्म है। और कर्मों का माने है जो वेदों में शास्त्रों में जो लिखा प्रेस्क्रिप्शन है, टू फॉलो दैट रूल्स एंड डू अकॉर्डिंगली, इसका नाम है कर्म। इसका नहीं करना, इसका नाम है अकर्म। इसका उल्टा करना विकर्म। तो आपका ऐसा मापिक जो धर्म आप कर रहे हो, अपने को बड़ा धार्मिक मान रहे हो, तो इसका नाम है काम। आप धर्म कुछ नहीं कर रहे हो, उल्टा आपका क्या होगा, अगर देव गुरु भगवान गुरु वैष्णव ये सब को टारगेट अगर नहीं है, तो या तो आप अकर्म कर डालोगे या तो आप विकर्म कर डालोगे, अपने को नरक में ले जाओगे धीरे धीरे। सो प्रकृत कर्म का, वास्तविक कर्म का लक्ष्य होनी चाहिए धर्म, जनरल धर्म जो आदमी कर रहा है, इसका नाम दान तपो श्राद्धाय व्रतो होम जपादि, ये सब जो है, ये सब धर्म जो है ग्रेजुअली जय क्या करे, ये आप क्या करोगे, यू कैन प्रोमोट योर सेल्फ, आप ऊपर में ले जा सकोगे, वैराग्य पैदा हो सकता, विवेक हो सकता, विवेक बढ़ेगा आपका, वैराग्य होगा, अर्थात संसार का पति आपको डिटैचमेंट पैदा कर देगा, अनासक्ति, और अल्टीमेटली दिखा देगा जे हरि इज द मेन पॉइंट, भगवान सब कुछ है, ये जो है। तो ये धर्म अगर सही ढंग से पालन करे, हो सके जनरल धर्म इसका भी अगर सही ढंग से करे, ठीक है भागवत धर्मों का ओर जा रहा है, इसका प्रिलिमिनरी धर्म करे, लेकिन ये भी अगर सही ढंग से ना करे, तो संसार का अशक्ति नहीं जा सकता, वैराग्य नहीं पैदा हो सकता, विवेक पैदा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। यदि अगर हरि में आसक्ति ना हो जाए तो क्या काम का है, काल भी बताया था ना, तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्वेद्यतो यावता मत कथा सवना दौ बा शुद्धा यावत न जायते, तब तक कर्म करो जब तक निर्वेद ना हो जाए। कर्म आपको ऊपर का लेवल, एडवांस लेवल, ज्ञान का लेवल में ले जाए, ज्ञान लेवल में जाकर साधुगण बुजुर्ग संघ के द्वारा भक्ति में प्रतिष्ठा हो जाओ। तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्वेद्यतो यावता
मत कथा शोभना दो आदौ है मत कथा शोभना दो आदौ एट ऑल। यदि अगर हरि कथा में भगवान का कथा में कीर्तन में अगर मन ना लगे तो यूं समझ लो बेकार है, आपका एनर्जी गॉन टू वाटर, पानी में गया, कुछ नहीं। तो विवेक वैराग्य को अगर है ना, विवेक वैराग्य को लक्ष्य करके तीर्थ पदोवाच्यो, विवेक वैराग्य को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी का कृपा से, वैष्णव का कृपा से हरिगुरु वैष्णव सेवा, दैट इज द फाइनल टारगेट। यदि अगर हरिगुरु वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव की सेवा ना हो जाए तो यू आर अ लिविंग डेड बॉडी। इसको बताया गया मोबाइल डेड बॉडी, इसका कोई प्राण नहीं है, कुछ नहीं है। और हमारा वैष्णव सिद्धांत में प्रभुपाद जी ने बताया प्राण छिजार से तो प्रचार, लाइफ है प्राण है तो प्रचार। ये प्राण क्या है, भक्तिमय ठाकुर जी ने, भक्तिमय ठाकुर जी ने सिखाया, सिखाए शरणागति भक्तिर प्राण, मतलब शरणागति भक्तों का प्राण। तो आई बात समझ में, भक्तिमय ठाकुर जी ने, भक्तिमय ठाकुर जी ने जो सुंदर विचार बताए सब समझ में आया आपका। तो बद्ध जीव अवैध, कम से कम घटिया जिंदगी, कुत्ता बिल्ली का जिंदगी, ये तो इसका पार होकर थोड़ा ऊंचा जाए, थोड़ा जैसे कि कम से कम बोल सके आदमी है, आदमी का नाम है मानुष, बंगाली बंगला में मनुष्य जाति, मानुष, मानुष में जिसका होश, जिसका होश नहीं है वो मानुष कैसा है, जिसका कॉन्शियस नहीं, चेतना नहीं है। जैसा हमारा वशिष्ठ मुनि ने बताया ना, आहार निद्य भय मैथुनंच समानम एतत् पशुभि नरानम ज्ञानो विशेषो अधिको नरानम ज्ञानेन हीना पशुभि समाना, ये बताया हमको वशिष्ठ मुनि वाली। आदमी और पशु जंतु में कोई फर्क नहीं है, अगर कॉन्शियसनेस लेवल हाई ना है। आदमी का वैल्यूएशन आप विचार करते हो, आप लोगों का समाज का विचार है, आदमी का वैल्यूएशन है कितना प्रॉपर्टी है, कितना लिखा पढ़ा किया है, कितना पोजीशन में है समाज, अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन हमारा भजन फील्ड में जिसका कॉन्शियसनेस जितना ज़्यादा है उसका वैल्यूएशन, चाहे वो 16 साल का लड़का सुखदेव हो, चाहे उसका बाबा पर बाबा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वी शुड ऑनर टू हिम फास्ट। इसका चेतना के लिए इतना ऊपर है, ये एक एकदम मशगूल हो गया, खो गया भागवत धर्म में, तो इसीलिए उसका वैल्यूएशन है। जो जितना जितना करीब भगवत धर्म का ओर जा रहा है, जितना भगवान का साथ, भगवान का भक्तो धाम नाम का साथ एडाप्टेड हो गया, एडजस्टेड हो गया ऑल प्रॉपर, ये उतना बड़ा साधु है। साधु कोई बेस के द्वारा अरे महाराज उस मटका आता जो, वो नहीं, ऐसे होता नहीं, ऐसे वैल्यूएशन नहीं निर्णय किया जाते। सीनियरिटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी, मेजॉरिटी शुड बी ग्रांटेड, ऑल मेटेरियल बातें हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो कम से कम आदमी जानवर का लेवल से थोड़ा ऊपर आए, जेंटलमैन हो, तो ये देखे कर्मकांडो रूप प्लेटफॉर्म में पहले प्लेटफॉर्म नज़र में आएगा। और ये जो कर्मकांड प्लेटफॉर्म है, इसमें रहते हुए निरंतर वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए नियम के अनुसार ट्राई ये अपने को रेगुलेट कर रहा है, और इसमें क्या होगा, इसका ज्ञान विभाग ऊंचा प्लेटफॉर्म जो है कर्मकांड को ऊपर, ज्ञान विभाग में उसका नज़र होनी चाहिए, मतलब फाइनली ही विल हैव टू अटेंड दैट प्लेटफॉर्म। ये टारगेट नहीं है जिंदगी भर में मैं ऐसे ही रह जाऊँ, ये उचित नहीं है। जिंदगी भर में जो प्लेटफॉर्म वही रह जाऊँ, ऐसा ठीक नहीं। जिस समय तक चित अचित मैटर एंटी मैटर आलोचना नहीं हो, और अहंकार तत्वों का विवेक ग्रेजुअली जब तक जरमय कर्मों का जो विषय है ये सब देख के थोड़ा निर्वेद, मतलब बस बहुत हो गया, बस करो, ऐसा ना कर दे, निर्वेद ना हो जाए, तब तक इसी प्लेटफॉर्म में रहकर वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना उचित है। अगर जोर जबरदस्ती तय कर ले तो प्रताप व्या ही विल हैव टू गेट पनिशमेंट, ही कैन नॉट क्लाइम टू नेक्स्ट लेवल, कभी ऊपर ऊपर जाना बंद हो गया उसका,
ऊपर जाना बंद हो गया क्योंकि वो तो माना नहीं, कुछ छोड़ दिया, तो इसका ऊपर जाने का रास्ता बंद और आप गिरते। इसीलिए प्रभुपाद बार बार कहते थे शेषे अधिकारी जो निष्ठा स गुण परिकृतिता विपर्यस्तु दोष। अगर अगर ये जो भील का लड़का जिसका नाम क्या है, वो क्या महाभारत में आता है ना, वो जो एकलव्य, एकलव्य का क्या काम है, है? एकलव्य का क्या काम है, वो क्या युद्ध में जाएगा क्या, है? ये हम करेंगे, हम सीखेंगे। अरे क्या सीखेंगे तू, तेरा काम ही नहीं है, तो अपना मुताबिक कर। उन्होंने बोले हाँ हम सीखेंगे तीर धनु। हमारा अंदर में कभी कभी ऐसा होता है, हम ये सीखेंगे, गुरु जी कुछ नहीं बोलता, आप बोले गुरु जी बोला है, ये सेवा हो गया। ये केशव गोस्वामी महाराज कहते थे इट इज़ वन काइंड ऑफ ऑटो सजेस्टिव मेथड। मेरा जो ख्वाहिश है, मेरा भावना है, हम जोर जबरदस्ती गुरु जी का ऊपर आरोप करके हम फायदा लेना चाहते, इट इज़ नॉट सेवा, इसको सेवा नहीं बोला। आपको सेवा करने के लिए यू विल हैव टू सर्च वेरी एनालिटिकली कैसे हम करें सेवा जिनके गुरु जी का अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए, आनंद हो जाए। ये मोटा बुद्धि वाले कर नहीं सकता, वो मोटा बुद्धि है, हल्ला चिल्ला ये करे ये करे, धर्म सभा कर लिया, कुछ वैल्यू नहीं है, अल्टीमेट रिजल्ट जीरो। कोई कंशियस आदमी है, तुम्हारा सभा का क्या मतलब है, व्हाट फॉर यू आर अरेंजिंग सभा। अगर कंशियसनेस को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सको, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, क्यों कर रहे हो। कौन है जिसका अपना कंशियसनेस है एंड ही इज रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट रियलाइजेशन अमंग डिवोटीज, अमंग पीपल, कॉमन पीपल, कौन है बताओ। आपका सारे एनर्जी मेटेरियल एनर्जी, सारे एनर्जी ये सारे ये प्रयास का अंदर आएंगे। काल जो चर्चा किया था, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ अल्टीमेट रिजल्ट दिखाओ, किस आदमी को तुम हरि भजन में प्रतिष्ठा कर सके दिखाओ मेरे को। प्रीचिंग कर रहा, प्रीचिंग कर, चीटिंग कर रहा हूं, प्रीचिंग और चीटिंग क्या कर रहा है, पूरा और दौड़ रहा है पागलपंथी। अपना 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 सामने प्रचार करो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू प्रीच इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, उसका बाद प्रचार में जाओगे। बाद में क्या प्रचार करोगे, गुरु जी बोलते क्या प्रीचिंग है, क्या भजन कर, क्या प्रीचिंग है, क्या प्रीचिंग, डू भजन जाओ, गुरु जी बोलते थे, पागलपंथी सब। तो जब तक ये अधिकार तक ना आए तो वर्णाश्रम धर्मनिष्ठ हो, लेकिन जब निर्वेद प्राप्त हो गया, उच्च अधिकार आ गया, कर्मनिष्ठा को दूर करना चाहिए, क्योंकि नाउ यू आर ऑन द सेकेंड प्लेटफॉर्म, थर्ड प्लेटफॉर्म, हायर प्लेटफॉर्म। अगर हायर प्लेटफॉर्म में रो लेके ना हम पहले करते थे ये हम करेंगे, ये क्या बात है, ये क्या बात है। आप अभी ऊपर का प्लेटफॉर्म में पहुंचे हैं भजन करते करते, तो यहाँ का नजर करो, नहीं पहले हम करते तो अच्छा है, थोड़ा बहुत कर ले। ये क्या है, इसका नाम है नियमाग्रह। ऊंचा सपन जाने से दरकार नहीं पड़ता, ऊंचा सपन जाने से और दरकार नहीं पड़ता ना, ये दरकार नहीं। तो ये सब जो है अगर जोर जबरदस्ती करने जाए तो नियमाग्रह हो जाएगा, इसका ऊपर का अधिकार मिल गया, वो तो थोड़ा इच्छा करके जो परमांश व्यक्ति हो गया एकदम ऊपर, वो अगर जोर जबरदस्ती बोले ना पहले ही अच्छा था चलो, ये कभी नहीं बोलेगा ना, उसका कॉन्शियसनेस हायर लेवल में है, वो अगर निष्ठा दिखाए हो नहीं सकता। मैंने ये बात की बात है, परमांश कभी ऐसा दिखाएगा नहीं, दिखा नहीं सकता, अगर हुआ, अगर हो नहीं सकता, परमांश जिस अवस्था में है उसमें वो टेस्ट मिला तभी ऊपर गया, टेस्ट नहीं मिलता तो नहीं जाता, मिला है तो वो एक उदाहरण है, वो कभी पहले वाला आचरण में निष्ठा नहीं दिखाने वाले। अगर दिखाता है, सपोज करो दिखाता है, तो इसका ही कैन बी अंडर द कैटेगरी ऑफ नियमाग्रह का अंदर आ जाए। चलो ठीक है, अब पहला प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा किया, अभी सेकेंड प्लेटफॉर्म जो है ज्ञान विभाग का कांड। इस समय ज्ञान कांड नरोत्तम याद है ना, नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में लिख दिया
कर्मकांड ज्ञान कांड सकली विषयर भाण्ड याद है ना, कर्मकांड ज्ञान कांड सकली विषयर भाण्ड अमृत बोलिया जीवा सेवा करे क्या होता है उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। लिखा है नरोत्तम ठाकुर लिखा है कर्मकांड ज्ञान कांड सकली विषयर भाण्ड सब पॉइजन पॉइजन है, पॉइजन का आधार है कर्मकांड ज्ञान कांड सकली विषयर भाण्ड अमृत बोलिया जीवा सेवा करे जो अमृत समझ कर उसका जिंदगी बर्बादी का ओर जाएगा ही जाएगा, कोई बाप रोक नहीं सकेगा। तो जो भी है अब कर्मकांडों का पहला सोपान जीव कहाँ तक पहले जाए, उसका बाद सेकंड प्लेटफॉर्म ये जो ऐसा रूप ज्ञान विभाग ऐसा रूप जो ज्ञान विभाग है जिसमें थोड़ा रियलाइजेशन पैदा हुई ये जो ज्ञान विभाग ये सोपान कोई अगर पुरुष पहुँचे तो इसका लिए ज्ञान निष्ठा नियम है। सपोज करो ज्ञान प्लेटफॉर्म में आया तो ज्ञान में अगर निष्ठा नहीं है तो हो नहीं सकता, ज्ञान निष्ठा यहाँ नियम है, इट इज द रूल्स, इट्स नॉट बैड। जब तक ये संत महात्मा का संग मिलकर आनंद से समझे जब तक ना समझे कि भक्ति इज द बेस्ट वे, वो समझेगा जब, तो जब तक भक्ति में रुचि ना हो ठीक है अपना निष्ठा को कायम रखे, अपना नियम निष्ठा को कायम रखे। जब रियलाइजेशन हो जाए भक्तों के संग में महाराज जैसे सर्वमठ जज्जो जी ने बोला अरे बहुत कर लिया गीधर का मापिक भेव 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 किया माया ब्रह्म जीव क्या किया मैंने, हाय 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 ठाकुर मैंने जिंदगी बर्बाद कर दिया। क्यों सर्वमठ जज्जो के अंदर में अभी ख्याल आ रहा है, भाव आ रहा है, अनुभव हो रहा है कि भक्ति इज द बेस्ट वे। पहले बहुत वितर्क को उठाया अपना बोनोई के साथ, अरे तुम कह रहे हो क्या प्रमाण है। गोपीनाथ आचार्य जी ने बोल दिया देखो जब तुम्हारे ऊपर भगवान का कृपा होगी आप स्वयं मानोगे, ईश्वरेर कृपा लेश है तो जहारे सही तो ईश्वर तत्व जानी भरे पारे। जिसका ऊपर ईश्वर का कृपा आता है वही जान पाए, बाकी जितना विद्वान हो जितना कुछ लेक्चरर हो कुछ नहीं होने वाला। सर्वमठ जो उस टाइम ये माना नहीं था लेकिन बाद में मानने के लिए मजबूर हो गया जब ठाकुर जी का कृपा हुई। वो बोला ठाकुर अब तक हम अपना जिंदगी में माया ब्रह्म ये सब लेके भेव भेव गीदर का मापिक चिल्लाया, अब आप मेरे को अमृत पिलाया। जिस टाइम तक ज्ञान निष्ठा में विश्वास है मन है इसी नियम में टिकना चाहिए, इसी नियम में अपने को टिकाना चाहिए। भक्ति में अगर अधिकार हो जाए तो क्या ज्ञान क्या करे, ज्ञान प्रयास मुदपश नमंति एव यवंति सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम सनिश्चिता सुतिकताम तो अनुवांग मनोभीर जे प्राय अजीत ओपी ओषित तो स्त्रीलोक्यम। तो ये जो भक्ति में अगर निष्ठा हो जाए तो भक्ति, अगर हम बोले अरे भक्ति अरे हमारा ज्ञान थोड़ा अच्छा था जैसे अद्वैत गोसाई ने इच्छा करके लीला करके दिखाया जैसे कि भगवान गुस्से में आकर मेरे को पिटाई करे, अद्वैत गोसाई किया है क्या, वो तो भक्ति का राजा है अद्वैत गोसाई, और कौन है अद्वैत गोसाई, महाविष्णु जगत करता। तो ये जो है इच्छा करके भगवान के जगत में धरती पे लाया खींच के, फिर उसका बाद इच्छा करके मजा कर रहा है और जोग वैशिष्ट पाठ कर रहा है और इच्छा करके बोल रहा है अरे ज्ञान सबसे ऊपर, ज्ञान नहीं तो क्या काम है, हैं क्या काम है, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है, इच्छा करके कर रहा है। तो महाप्रभु के इधर ख्याल है बेटा ज्ञान वैशिष्ट व्याख्या कर रहा है, ज्ञान सब कुछ है ठीक है, हमको जाना है उसको पिटाई करने के लिए। गौरंग महाप्रभु पहुंचा उधर शांतिपुर में, जाके कुछ बातें नहीं है, बस मारना शुरू कर फटाफट मारना, बोल ज्ञान ऊपर के भक्ति है, ज्ञान ऊपर बोल
ऐसा करके अद्वैत गोसाई का पिटाई किया। अद्वैत गोसाई का जो शक्ति है सीता देवी सब जानती है, ये कोई अज्ञान नहीं है, सब जानती है, जुग माया है। इच्छागर रोना शुरू कर दिया, अरे मेरा बूढ़ा है, मेरा बूढ़ा स्वामी है, मेरा हस्बैंड बूढ़ा है, इसको मार डालोगे आप, क्या बात है, ऐसा करके रोना शुरू कर दिया इच्छा करके। अद्वैत गोसाई इच्छा करके की, जैसे कि हमारा ऊपर प्रभु गुस्सा हो जाए और मेरे को पिटाई करे, क्योंकि हर वक्त मेरा चरण पकड़ने आता है गौरांग, ये प्रभु है स्वयं अब मेरा चरण पकड़ने आता है तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसा कुछ करूं जैसे कि गुस्सा हो जाए। तो इसके द्वारा अद्वैत गोसाई का नियमाग्रह बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अद्वैत को इच्छा करके किया, अद्वैत को इच्छा करके किया ना, ये नियमाग्रह नहीं। अगर कोई करते भक्ति का ओर बढ़ा, फिर उसका बाद बार थोड़ा बहुत कर्मों का मार्ग अच्छा था पर थोड़ा कर ले, ये नियमाग्रह है, ये पीछे नहीं आएगी, आगे चलो। तो ये अगर नियमाग्रह दोष नहीं स्पर्श कर सकता, मैंने कई बार इस श्लोक को दोहराया, क्या है, तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्वेद, जब तक निर्वेद ना पैदा हो, मेरा इनाफ अपीट हो गया, बस करो अभी, जब तक नहीं ये भाव आए कर्म करो, कर्म छोड़ के अभी दुम करके आप छोड़ के, अंदर में प्यासा है, भोगने का सब कुछ है, संन्यास ले लिया महाराज, अच्छा किया, नरक पे जाने का सबसे बढ़िया रास्ता किया तुमने, सबसे बढ़िया रास्ता, इससे बढ़िया रास्ता कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा किया, चलो कोई बात नहीं। तो तावत कर्माणि कुर्वितो नो निर्वेद्य तो यावता मत कथा सवना दो वाध्या जावत न जायत, ऑल प्रोसीजियर भजन कुछ भी करो, अल्टीमेटली अगर भगवान का चरण में भगवान का कथा में मन ना लगे तो सारे बेकार हैं, सारे बेकार है, कोई काम का नहीं है। सो भगवान ने बताया भागवत जी महापुराण में, और उद्धव जी महाराज को, उद्धव तस्माद मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद इहो। ध्यान दे बात पर, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तस्माद मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेत। क्या बताया, भले भगवान बता, देखो जो योगी सब थोड़ा बहुत भक्ति का ओर बढ़ा है, भक्ति युक्तो मद भक्ति युक्तो, भगवान कह रहे हैं मेरा चरण में भक्ति करने वाले जो योगी हैं, ये एलो के लिए ज्ञान वैराग्य अच्छा नहीं लगता, ये लोग टेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये थोड़ा वो भक्ति मिल गया ना, इसलिए मेरा चरण में भक्ति करने वाले जो योगी हैं, ऐसा योगी बहुत है, ऐसा योगी है, ऋभु ऋषि है आदि सब, फिर आपका क्या नाम है वो जो प्रलय हुआ था ना, प्रलय वो भूल गया मैंने, बहुत सुंदर ऋषि, और ऋषि भागवत में आता है, मेरा याद है अभी भूल गया, इन्होंने भगवान का दर्शन के लिए, ये लोग भगवान का, सो हमारा चरण में भक्ति करने वाले भक्ति युक्त हो, मैंने फुल फ्लेजेड फ्रॉम भक्ति ऐसा नहीं बताया, कि तब तो योगी शब्द यूज ही नहीं हो, भक्ति योगी, भक्ति योग तो भक्ति भक्तो होगा ना, लेकिन भगवान का कहने का मतलब है जो भक्ति का कुछ टेस्ट मिल गया, भक्ति युक्तो, युक्त मतलब भक्ति का साथ जोड़ा हुआ है, फूल भक्त तो ऐसा नहीं बताए, भक्ति का साथ युक्त जोड़ा हुआ जो योगी, ये लोगों ज्ञान का और वैराग्य का ओर अच्छा नहीं लगता, से इसका नहीं, अर्थात इसका माने तब ज्ञान वैराग्य निष्ठा हृदय से धीरे धीरे भागने वाला है, इनके हृदय से ज्ञान वैराग्य निष्ठा हृदय से धीरे धीरे भागने वाला है, और तब भक्ति क्रिया अच्छा रूप में
परिस्फुटित हो जाता है। आई बात समझ में? दे यही बात है और कुछ नहीं, बड़ा गंभीर विषय है। कर्मकांडों का सोपान छोड़ के भक्ति का निष्ठा करना ही कर्तव्य है, तमाम शास्त्रों का यही निर्णय है, तमाम शास्त्रों का यही निर्णय है, तमाम शिष्यों का यही नहीं। लेकिन भक्ति कहाँ मिले? भक्ति तो बाजार में नहीं मिलने वाला। मैं किताब खरीद लिया महाराज, किताब खरीद लो, किताब का किताब पढ़ के भक्ति कर लो, देखो होता कि नहीं, टेस्ट कर लो, बहुत पैसा है आपका पास, ये होने नहीं वाला, ये होगा ही नहीं। क्योंकि भक्ति का एक ही रास्ता है, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायत, साधु संगो साधु संगो सर्वशास्त्र को आय लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। कृष्ण भक्तिर जन्म मूल है साधु संगो, कितना बार बताएंगे। तो क्या कर्म कांडो ज्ञान कांडो सकली विषेर भांडो इट्स अ पॉट ऑफ पॉइजन। जो अमृत बोल के जो पान करने जा रहा है वो मरने जा रहा है, उमरने जा रहा है, उसको कुछ नहीं होने वाला। तो कर्म ज्ञान का जो रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म है इसको छोड़कर भक्ति का प्लेटफॉर्म में अधिष्ठित होना जरूरी है। ये छोड़कर दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर नहीं आओगे तो नहीं आओगे, लेकिन आना तो है, आज नहीं तो काल, न कि एक हजारों जन्म बाद या करोड़ों जन्म बाद, तो आना तो है इसी रास्ता में, क्योंकि और कोई टारगेट है नहीं, रास्ता है नहीं। कृष्ण प्रेम का मंदिर है गोलोकधाम वृंदावन, ये टॉप मोस्ट टारगेट है। ये कितना बड़ा बातें हैं, रूप गोस्वामी बाद इसको खोल कर दिखा दिया, पोल पोटी खोल दिया, देखो हमारा सिचुएशन ये है, अब यहाँ से कहाँ जाना है विचार करो, पागल हो जाओगे। रूप गोस्वामी बाद जी ने हमारा पोल पोटी खोल कर दिखा दिया, तुम्हारा सिचुएशन ये है, अभी यहाँ से कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा बता, बहुत कहाँ है, बड़ी दूर नागरी, गोकुल नागरी, आहा, ये बड़ा उच्च, बड़ा टॉप मोस्ट पोजीशन। इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्रॉस ओवर दिस 14 वर्ल्ड्स, 14 लोक, 14 भुवन, हैं, भ्रमतहु 14 भुवन, गुरुपदे तनमन जीवन, गुरुपदे अर्पण, सदा हरि नाम रटन। बोलना बहुत इजी है, प्रतिष्ठित होने जाओ तो पता चलेगा, पता चलेगा क्या है, बोलना बहुत इजी है, हमने गा लिया। जो कुछ भी भजन का क्रियाक्रम करना है टुगेदर विथ रियलाइजेशन, अगर नाम में रियलाइजेशन नहीं है, हरि कथा में कोई रियलाइजेशन नहीं पैदा हुई तो कुछ नहीं हुए, क्या फायदा है, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट है, तो पाना है ना। चौदह लोग प्राकृतो कर्म कांडियो हैं, जगत रूप सोपान है, ये छोड़कर फिर ब्रह्मलोक भूर भुव स्व महोजनो तपस्व तो वो पर जाओ, फिर 14 भुवन का 7 नीचे है, अतल वितल तलातल पताल सुतल ये सब है नीचे, हैं रसातल ये सब, तो ये 14 भुवन छोड़कर ऊपर जाओ, और फिर जाने के बाद बिरजा ब्रह्मलोक रूप ज्ञान कांडियो सोपन पेनिट्रेट करके हमको घुसना है वैकुंठ प्रांगण में, हमको जाना है वैकुंठ प्रांगण में। फिर कर्म ज्ञान का जो निष्ठा, अगर स्मेल भी है थाड़े धो लो बिरजा में, बिरजा में डस्ट फ्री, बी राजा इसका अंग्रेजी माने हो जाए, बी राजा इसका माने है डस्ट फ्री, इसका लिटरल मीनिंग, और एक्चुअल मीनिंग अगर सोचे बी राजा मतलब अगर आपका दिल में थोड़ा बहुत गंदगी है, थोड़ा बहुत गंद है, उसको भी धोके धो डालो, वो धोके फेंक दो, फिर करने के बाद आपको भक्ति का टेस्ट मिलेगी। और भक्ति का भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हमने बताया कई दिन से, भक्ति सोपान धीरे धीरे बहुत सारे सोपान हमने बताया, पहले तो गुरुचरण में अगर
गुरुचरण का महिमा देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर गुरुचरण में बोला, आप थोड़ा कृपा करके मेरे को बचाओ, आपको ही मेरा जिंदगी में बैठा लिया। जैसे पहले जमाने में, पौराणिक जमाने में, बिटिया रानी जिसको हृदय से घून करे, जो जिसको हृदय से भोन करेगी वही उसका स्वामी। जैसे सीता देवी, रामचंद्र, द्रौपदी हैं अर्जुन को, ऐसे सब नियम हैं। लेकिन गुरु जी को पहले हृदय में बैठाना चाहिए, यही मेरा गुरु है, यही बचा सके मेरे को, यही मेरे को पार लगा सके, ऐसी को इसी छोड़ के किसी का चरण में मैं जिंदगी, जैसे फोपाद ने बोला है। फिर उसका बाद दीक्षा का क्वेश्चन है, अदो गुरु पदस्य तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। चलो ठीक है, धीरे धीरे अदो गुरु पदस्य तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम ये हो सकता। अदो सद्या ततो साधुसंग अथो है अनर्थ निवृत्ति साध निष्ठा रुचिस्ततः ए भा, धीरे धीरे आगे तो ये बोला कि भक्ति का सोपान है बहुत सारे, भक्ति का सोपान है ना, ग्रेड है ना, कैसे कैसे ऊपर जाओगे। और ज्ञान कांड सोपान सब निष्ठा, सारे धोखे, बिरजा बिरजा नदी में धोखे अपने को पवित्र बनाना है, तब तो आगे वैकुंठ लोक का ओर बढ़ोगी। भक्ति सोपान सारे अतिक्रम कर गए, प्रेम मंदिर में घुसना है। ये मेटेरियल प्रेम मंदिर नहीं है, जो लड़का लड़की लाइट जलता है और डांस करता है, ये प्रेम मंदिर नहीं है, ये तो टट्टी पेशाब का बराबर प्रेम मंदिर है। वहाँ नज़र भी डाले तो वो भी खराब है उसका लिए, नज़र भी डाले घुसना तो दूर की बात है। हमारा गौड़ी मठ का सब जा रहा है, गौड़ी मठ का है ही नहीं वो लोग, वो जा रहा है प्रेम मंदिर देखने जा रहा हूँ, जा 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 खूब जा, बड़े महाराज है तू, जा तेरा ही तो अधिकार है सब, जा। अब अगर बोलो क्यों गया, क्यों नहीं जाएंगे, ऐसा गाली देता है। हमने एक दफे बोला, अरे वहाँ क्यों गया दिल्ली में, हम वहाँ क्यों, अरे क्यों नहीं जाएंगे, आपका पास क्या है, हम हमारे पास तो कुछ है नहीं, ठीक ही किया आपने, चलो कोई बात, बहस करता है, ऐसा बोलना छोड़ दिया बोलना ही छोड़ दिया। किसी को हमने समझाया, आपका महाराज का आपका 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 जो सोसाइटी है इसमें वो महाराज जी इच्छा करके लिखा है किताब, इच्छा करके पहले मेरे को दिखाया था, मैंने बोला मैं इसको एडिट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये खिलाफ है, मैं माधव गौड़ीय संप्रदाय का नहीं हूँ, ऐसा बोल के वो प्रमाण दिखाए, तो मैंने किया नहीं। मैंने एक महाराज से मिला है, वो मालिक है मठ का, कुछ हिसाब से मालिक है, तो हमने बोला देखो वो महाराज जी ने ये लिखा, ये हम लोग माधव गौड़ी, ठीक ही तो बोला क्या क्या खराब बोला। तो मैंने पूछा हवा खराब है, हमने महाराज जी दंडवत चले, ठीक है मैं चला गया। ऐसा हालत हो गया, हाय राम, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है, सब खड़ा हुआ है बंदूक लेके खड़ा हुआ है गोली करने के लिए। ये है हमारा मिलिट्री फौज है गौड़ीय समाज का, सब फायर करेंगे, रेडी है वो, पर टिगर टिगर को दबा दे तो हो जाएगा। तो मैं छोड़ दिया, दो जो करे करे, समझे समझे ना समझे। द भक्ति का जो टारगेट है ये धीरे धीरे हमको ले जाएगा वैकुंठ जगत। वैकुंठ जगत का प्रेम से अगर गोपो कुमार का मापिक आपको मन ना लगे और ऊपर जाना है, फ्री प्रेम, जिस प्रेम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो फिर आपको गोलोक वृंदा तदोपुरी गोलोक धाम वृंदावन है लिखा हुआ है चैतन्य चैतन्य। तो तीसरा सोपान जो कार्य में हमने बताया, कर्म ज्ञान का प्लेटफॉर्म छोड़कर भक्ति प्लेटफॉर्म में, भक्ति प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए, भक्ति का प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए, और यहाँ तक टिकने से होगा नहीं ना। तो ये सब जो तीसरा है ये भक्ति है, और भक्ति का ही ग्रेजुअल प्रमोशनल प्रोसीजियर कैन हेल्प यू टू अटेन दिस प्रेम दशा। इसके लिए बहुत सारे श्लोक पहले भी मैंने चर्चा की, और जैसे अभी
पाँच दस मिनट पहले अदो श्रद्धा ततो साधुसंग अथो भजन क्रिया हैं साधुसंग अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, मैंने भजन क्रिया को बाद दिया ना हैं, थोड़ा छूट गया था बोलने में, भूल गया। सो अदो श्रद्धा ततो साधुसंग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सात ततो निष्ठा रुचिस्तत अथाशक्ति स्तो भाव स्तो प्रेम अभ्युदंशति साधुकानमय प्रेमणो प्रदुर्भव भवेत क्रम, यही तो भवेत। काल इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, मैंने पहले भी बहुत बार सब श्लोक चर्चा की। यथा यथात्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रज। मैं काल चर्चा करने का इच्छा रखते हुए आज इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से, क्षमा मांगता हूँ। तो ये जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मनुष्यमर्थतमनित्यमपि हो धीरः तूर्णं जतेत न पतेत अनुमेत्तु यावत् निःश्रेय साह्य विषय खलु सर्वतो हो साध वांछा कल्पतरुष के पास इंद्र भविष्य पतितानं पावन भविष्णभ्यो नमो नमः।